हमारे दर्शकों को आज आप क्या दिखाने वाली है? कटहल के कोए की भजिया। कटहल के कोए की भजिया? हाँ। कहीं आपके पतिदेव तो नहीं आए ना? नहीं, नहीं भजिया कहा तो मुझे तुरंत ही उनकी याद आई। हाँ। और दूसरा क्या दिखाने वाली है? कटहल की गाकर। कटहल के गाकर हम पहले क्या देखने वाले? कटहल की भजिया। ओके, मुझे सामग्री बताएंगे इसकी? हाँ। भगर का आटा, साबुदाना का आटा, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और नींबू, नमक और कटहल को, ये कापा कटहल कापा है। बारीक वाले का कुछ भी नहीं हो सकता? नहीं। हमने सामग्री देख ली है, अब हम देखेंगे विधि क्या करनी है। यहाँ क्या विधि करनी है? सबसे पहले हम इसके टुकड़े लेने हैं कटहल के। ओके हाँ। ओके, ऐसे मतलब खोलना है इन? हाँ, इसे खोलना है, बीज निकाल देने हैं। बीज मतलब गुठली। आठली। अब इसका हम क्या करने वाले हैं? इसे मैरिनेट करना है लाल पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, नींबू डालकर। हाँ, मतलब फिर वो उसे इसकी मिठास कम करने के लिए, और अच्छा, जरा सा अलग टेस्ट आता है। ओके, इसे रहने दीजिए, मैं खाऊंगा। हाँ। ओके, अब हमें मैरिनेशन करना है। हाँ, उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, मिर्च पाउडर, नमक सब डालूंगी। ओके, अच्छा, कुछ तो अलग ही लगने वाला है दोस्तों। ये मिर्च पाउडर सिर्फ लाल दिख रहा है, नया है, इसीलिए वो इतना तीखा नहीं है। मतलब जिसकी आंखें बड़ी होती है वो गुस्सा कर रहा है ऐसा नहीं है, समझ गए? नमक डाल रहा हूं मैं। साधारणतः तो ध्यान में आ गया ना कैसे डालना है, इसलिए मैंने तुरंत ही डालना शुरू किया, समय गंवाना नहीं है। ओके, जीरा पाउडर, फिर मैं नींबू निचोड़ दूंगी। ओके, आप जीरा पाउडर डालिए। नींबू रसीला होना जरूरी है। नींबू का भी एक खास तरीका होता है काटने का। नींबू काटने से पहले वो ऐसे रखकर उसे थोड़ा सा नरम किया जाता है, और फिर आड़ा या तिरछा काटा जाता है, मतलब अच्छे से उसका रस निकल आता है। ये अब ऐसे ही रख देना है 5 मिनट तक। अच्छा, मतलब फिर वो उसमें अच्छे से चिपकेगा। अब आगे क्या करना है ये बताइए। अब हम आटा गूंध लेंगे। ओके, और वो मतलब बाकी भजियों की तरह घोल नहीं बनाना है इसका। फिर ये जरा गाढ़ा रखना है, मतलब उसे लिटरली लगाना है। अच्छा, नहीं तो आपको पानी चाहिए अभी इसके लिए? हाँ, थोड़ा सा लगेगा। भगर का आटा मैं जरा ज्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि साबुदाना बहुत ही चिपचिप होता है। अच्छा अच्छा, बहुत चिपकता है वो, मतलब उसे भी चिपकेगा, कटहल को भी चिपकेगा और हमारे मुंह में तालू को भी चिपकेगा। सही है। ओके, मतलब लगभग हमने 4 चम्मच भगर के लिए और ये 2 चम्मच लिए हैं। 3 चम्मच ये और 2। अच्छा, लिए हैं ये। ओके, अब मिर्च पाउडर। अच्छा, इसमें भी डालना है? हाँ, ये इसमें डालना है नाम के लिए, बस रंग। हाँ, रंग आने के लिए। फिर जीरा पाउडर डालेंगे, नमक। हाँ, नमक। ओके, अभी ये सब हम मिक्स कर लेंगे ना? थोड़ा सा पानी डालना है। मैं डालूं? हाँ, आप डालो, मतलब वो क्या है कि प्रमाण नहीं बिगड़ना चाहिए ना, आखिर हाथ का स्पर्श हुए बिना वो मजा नहीं है ना। मजा नहीं है। हाँ, सही है। सही अनुमान के लिए हाथ ही चाहिए। थोड़ा सा लेती हूँ। हो गया ये? हाँ, हो गया। अच्छा, अब मैं इसे लगा लेती हूँ आटा। अच्छा अच्छा, चलेगा। अच्छा, डायरेक्ट इसे चिपकाना? हाँ, है या सीधा चिपकाना ही है इसे? अच्छा अच्छा, अब ये जरा थोड़ी अलग भजिया है। ये कटहल वैसे देखा जाए तो नाजुक होता है ना? हाँ, नाजुक होता है, इसलिए उसे जरा संभाल के। एक बात बताइए, इसे उपवास की भजिया की तरह भी खा सकते हैं ना? हाँ, उपवास की ही है भजिया। अच्छा, उपवास की है, मतलब इतनी देर से हमने कुछ कहा नहीं था उपवास की भजिया है वगैरह, है ना? हाँ। अच्छा, ये आखिरी के दोनों खाली रखने? हाँ, मतलब फिर वो उठाने के लिए हाँ आसान हो जाता है। चीजें बारीक है लेकिन महत्वपूर्ण है। ओके, साधारणतः कितने प्रकार की भजिया बनती है वैसे चाची? नॉर्मली बहुत है, 7-8 प्रकार की तो होती है। अच्छा।
हाँ, परवल की, केले की भजिया, फिर प्याज आलू बैंगन की। ओके ओके। और ये कटहल। बीच में हमारे यहाँ इस मेन्यूज के कार्यक्रम में एक गृहिणी आई थी, उन्होंने मुझे सहजन के टुकड़ों के छिलकों की भजिया खिलाई थी। ओहो, बाप रे। मतलब बाप रे, मतलब इतनी बुरी नहीं बनी थी वो। हाँ, क्योंकि छिलका मतलब कड़वा लगेगा। नहीं, लेकिन क्या उन्होंने कुछ आइडिया किया था, मुझे वो कड़वी नहीं लगी थी पता है भजिया। अच्छा। अब आमतौर पर हम पूरी खाते हैं ना भजिया। हाँ। लेकिन वो भजिया मैंने खींच कर खाई थी जिंदगी में पहली बार। अब ये रेडी हो चुका है, अब हम वो तलने वाले हैं। हाँ। ओके, गैस थोड़ा बढ़ा दूं कि कम चाहिए आपको? हाँ, थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। हाँ, गर्मा गर्म है। हाय हाय, कटहल की भजिया, एक एक ही डालना है क्या? हाँ, मतलब पहले एक ही डालकर देखती हूँ, फिर दो दो डालूंगी। भगर काटा होने के कारण कुरकुरा होगा, दिखने में भी अच्छा लगा। हाँ। अब ये निकालने के बाद मैं दो डालूंगी एक साथ। ओके, लेकिन ये किसके साथ सकते हैं हम लोग? एक तो ये छोटे बच्चों को पसंद आएगी ऐसा है भजियां, इसीलिए सॉस के साथ अच्छी लगेगी। अच्छा। और बड़े लोग चटनी के साथ चल जाएगा। ओके। हाँ। मूलतः खाइए, ये जरूरी है। हाँ। और अपने अपने रास्ते हमने ढूंढ लिए हैं, मतलब किसी को मिर्ची अचार के साथ खाना पसंद है तो आप देख लीजिए, ये बनाना जरूरी है और खाना है, ये ध्यान में रखिए। हाँ। ये हमारा बनते रहने वाला है। अब अलग से बताऊं क्या, लिख लीजिए सामग्री और विधि, सो सिंपल। कटहल के कोए की भजिया बनाने के लिए लगने वाली सामग्री, भगर का आटा, साबूदाना आटा, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नींबू का रस, नमक और कापा कटहल के कोए। विधि, पहले एक बोल में कापा कटहल के कोए को मिर्च पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और नींबू के रस का मैरिनेशन लगाकर रख दें। एक बोल में भगर का आटा, साबूदाना आटा, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और पानी डालकर मिश्रण इकट्ठा मिलाकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। ये बैटर कटहल के कोए को लगाकर कोए डीप फ्राई कर लें।